हालात आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा और गंदगी को साफ करने का जो बीड़ा है वो वॉलेंटियर्स के साथ साथ खुद अब एमएसबी वाइपर लेके साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। हम लिए हम हेल्थ केयर वर्कर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में तो कम से कम वापस आए। अभी हम सारे वॉलंटियर्स का हेल्प ले रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का हेल्प ले रहे हैं, एनएसएस आ रही है, उनकी मदद से जितना पॉसिबल है हम कर रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में हॉस्पिटल अटेंडेंट की हड़ताल के बाद हालात खराब हैं, साफ सफाई का जो हालात हैं वो बिगड़े हुए हैं और उसके बाद जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो भी स्ट्राइक पर है। इस समय मैं चंडीगढ़ पीजीआई में मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पीजीआई के जो वॉलंटियर्स हैं टीम है वो खुद लगे हैं और खुद अगर बात करें इन वॉलंटियर्स की तमाम लोगों की तो ये यहां पर जो है देखिए कि एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको जिम्मा सौंपा गया है साफ सफाई का और जो बाकी जो टीम है वो यहां पर लगी हुई है इन वॉलंटियर्स के साथ। ये पीजीआई के अंदर की तस्वीरें हैं जो साफ सफाई आप देख रहे हैं यहां पर और उसके बाद और भी आपको आगे लेके चलते हैं कि जिस तरीके से पीजीआई में जो हालात हैं कि साफ सफाई को लेकर काफी समस्या है क्योंकि हॉस्पिटल जो अटेंडेंट हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक पर चले गए हैं पिछले काफी दिनों से, अगर कहें कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गए स्ट्राइक होते हुए और वॉलंटियर्स के सहारे पीजीआई की सफाई है। कई एनजीओज हैं, कई वॉलंटियर्स हैं जो साफ सफाई का जिम्मा संभाले हुए हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उसके बाद हम आगे और चलते हैं खुद आपको जो पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं खुद हाथ में वाइपर लेकर नजर आ रहे हैं इस मास्क है और वॉलंटियर्स एनएसएस के जो हैं ये आप देख रहे हैं कि डॉक्टर विपिन कौशल जो पीजीआई के एमएस हैं वॉलंटियर्स के साथ मिलकर खुद साफ सफाई जहां जहां गंदगी है उसको साफ कर रहे हैं। अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं पीजीआई के इस समय क्योंकि हड़ताल की वजह से जो गंदगी है, जो कूड़ा है, जो हाइजीन की बात हम करते हैं वो कहीं ना कहीं काफी बुरी तरह प्रभावित हुई है और पीजीआई के लिए एक बड़ी मुश्किल, एक चुनौती बन गई है। तो अंदर की तस्वीरें आप देखिए, खुद पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर विपिन कौशल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये एनएसएस को बुलाया, जो वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के बाकी एनजीओस के उनको लगाया गया है और अपील की गई थी पीजीआई प्रशासन की भी तरफ से कि वॉलंटियर्स आए, एनजीओस आए सामने ताकि जो साफ सफाई का ध्यान है, जो हाइजीन की बात है पीजीआई में, पेशेंट को सिर्फ केयर ही नहीं उनकी हाइजीन का भी ध्यान काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेडिकल फैसिलिटी की बात है। तो जो एनजीओज आए हैं उनके साथ साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से खुद अब मैदान में उतर चुके हैं डॉक्टर विपिन कौशल और उनकी टीम जो पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो कहीं ना कहीं खुद अब कमान जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को संभालनी पड़ रही है। हालात आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा और गंदगी को साफ करने का जो बीड़ा है वो वॉलंटियर्स के साथ साथ खुद अब एमएसबी खुद वाइपर लेके साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं और पीजीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब से स्ट्राइक हुई है तो यहां पर जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है, काफी अहम डिपार्टमेंट होता है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है या किचन स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं जब स्ट्राइक पर चला जाता है तो जो साफ सफाई का जिम्मा है वो उनके ऊपर होता है और वो प्रभावित होती है। और सबसे बड़ा जो सेटबैक इस समय पीजीआई को लग रहा है वो इसी लग रहा है कि जो साफ सफाई है, जो कूड़ा करकट होता है, जो वेस्टेज होती है वो कौन उठाएगा। ये आप तस्वीरें देखिए यहां पर, जो आप जिस तरह से वॉलंटियर्स को देखें या तमाम चीजें देखें यहां पर साफ सफाई का जिम्मा और ये वॉलंटियर्स यहां पर जुटे हुए हैं जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं वो यहां पर है। और तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि साफ सफाई पीजीआई की जो प्रभावित हुई है अब खुद पीजीआई प्रशासन, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद अब उनकी टीम आप देख रहे होंगे यहां पर इस तरह, यहां देखिए जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहां पर लगे हुए हैं, वॉलंटियर्स आ गए हैं और ये बात भी करेंगे। डॉक्टर विपिन कौशल हमारे साथ हैं, एमएस हैं। डॉक्टर साहब आप खुद वाइपर लेकर लगे हुए हैं। ये ऐसा नहीं है, श्रमदान है हमारा। 4000 करीब वर्कर्स जो हैं आउटसोर्स हॉस्पिटल अटेंडेंट और सैनिटरी के, आज सातवां दिन है हड़ताल का। हमारे रेगुलर एम्प्लॉज जो एचएएसए हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं, जितनी भी सफाई मेंटेन हो सके। श्रमदान अभियान चलाया तो हमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे विश्व मानव रूहानी केंद्र है, सुख फाउंडेशन है, रोट्रैक और सारथी के साथ एनएसएस वॉलंटियर्स, क्योंकि ये हड़ताल अभी बढ़ रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समाधान निकले। तो हॉस्पिटल में जैसे आप जानते हैं कि अभी भी हमारे पास 1000 मरीज करीब करीब है, उनकी सब सेवाएं हम दे रहे हैं। सफाई का ध्यान रखते हुए हमने जो श्रमदान की कसम खाई है, सफाई की प्लेज, उसके तहत सबने दो दो घंटे की सेवा करनी थी। आज हमने हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन है उनके पास भी एनएसएस वॉलंटियर्स हैं,
तो 9 की प्रिंसिपल साहिबा से हमने रिक्वेस्ट की थी कि 2-3 घंटे का श्रमदान आज हर साल में करिए, तो उन्होंने अपनी हम सहयोग दे रहे हैं, हम उनका शुक्रगुजार। आप देख रहे हैं एनएसएस के वॉलंटियर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी फैकल्टी और हॉस्पिटल ऑफिसर्स, जितनी भी सफाई हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम और भी जो अपने एम्प्लाईज हैं उनसे सहयोग लेंगे और जितनी भी साफ माहौल है वो हम दे पाएंगे। आप मगर देखें, हमें जनता का सहयोग मिले, अगर कोई कूड़ा निकलता है उसको डस्टबिन भर गया है उसका बांध दे और हमसे लिफाफा मांगे हम दे देंगे, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो जहां मिलता गंद वहीं फेंकी जा रहे हैं। चैलेंज तो बहुत बड़ा पीजीआई के लिए चैलेंज है, उसको लोगों के सहयोग से, अपने रेगुलर एम्प्लाईज के सहयोग से, पीजीआई की टीम से और जो वॉलंटियर्स हैं जिनको मैं सल्यूट करता हूं, खासकर मानव रूहानी के अंदर, विश्व मानव रूहानी के अंदर जो दिन रात, कितने वॉलंटियर्स वो उनके कोई 100 तक आ जाते हैं, 70-100 फ्रॉम 8 AM टिल 9 PM, और ऐसे ही सुख फाउंडेशन के 20-30 आ जाते हैं, रोड ट्रैक के आते हैं और कहीं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। आज ये 9 के जो बच्चे आए हैं एनएसएस वॉलंटियर्स जो मेन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, एडवांस ट्रोमा सेंटर में है, इमरजेंसी में है और जहां और सेवाओं की जरूरत होगी हम जरूर लेंगे। सर, स्ट्राइक को लेकर क्या अपडेट है? लगातार लेटर कहा कि लेटर लिखा है, मिनिस्ट्री को बताया गया है। हम उनको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा जो है मंत्रालय के पास है, मंत्रालय के साथ निरंतर हम कम्युनिकेशन बनाए रखे हुए हैं, जैसे ही कुछ आएगी इन्फॉर्मेशन हम यही बता रहे हैं तभी कुछ कर पाएंगे। उसके लिए पूरा प्रयत्न टॉप लेवल निदेशक महोदय से DDA और सभी लगे हुए हैं इस काम की तरफ, वो सबके संज्ञान में है। जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, वो कंप्लीट होने के बाद अपने भाई बंधु हैं, मैंने हैं, ऐसा कोई नहीं है, मगर नो वर्क नो पे का जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो उसका पालन हम सख्ती से इस बार करेंगे। तो जितने भी दिन जो काम से आए नहीं है तो वो उनका जो वेजेस है वो नहीं मिलेंगे, ये मैसेज बहुत क्लियर है। बाकी और जो रास्ते हैं इसको समस्या को सुलझाने के वो सारे हम कर रहे हैं और अपील करते हैं इन भाई बंधुओं बहनों को कि काम पे आ जाएं। पेशेंट्स ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो पेशेंट्स के काम के लिए 7 दिन का प्रोटेस्ट बहुत होता है, तो आगे आए और काम करें, यही अपील है हम। तो और मीडिया का भी सहयोग हमें मिलता रहता है, उसके लिए हम खासकर आपके भी बहुत धन्यवाद दिए हैं और जनता में ये जरूर संदेश भिजवाएं कि अगर आप साल में बहुत जरूरत है तो जाएं, क्योंकि हमने इलेक्टिव सेवाएं जैसे रूटीन एडमिशन, नए केसों के रजिस्ट्रेशन, रूटीन सर्जरी सभी, क्योंकि मैन पावर नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि कितना गंद पड़ा हुआ है, तो वो बंद किए हुए हैं। ओनली इमरजेंसी ट्रोमा हमारी चल रही है, उसमें हम करीब 500 के करीब तो इमरजेंसी ट्रोमा में पेशेंट है हमारा, तो वो सेवा इमरजेंसी में। सर, जैसे ज्यादा एक सफाई का रहता है तो वहां पे आपकी टीमें वॉलंटियर्स लगातार कल के मैं अगर वीडियो दिखाऊं तो आपको हो गए इतना कैसे निकल जाता है ये सारा कूड़ा, तो वो सब हम कर रहे हैं काम। और आपके जैसे संदेश जाए हर साल में तब जाए जो बड़ी जरूरत है, बाकी आसपास की जो स्टेट्स हैं उनसे भी यही है कि जब तक हमारी हालात नॉर्मल या स्टेबलाइज नहीं होते पेशेंट्स को रेफर कम से कम करें, सो दैट उनका सहयोग हमें मिलेगा तो हम जितने हमारे पास मरीज हैं उनको सेवा अच्छी तरह दे पाएंगे। धन्यवाद। तो डॉक्टर विपिन कौशल MS हैं और वॉलंटियर्स के साथ यहाँ पर एक चैलेंज है PGI के लिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सफाई है, ये भी एक डॉक्टर है, ये भी एक डॉक्टर, डॉक्टर नवीन पांडे यहाँ पर इस समय सफाई है, पेशेंट और केयर की बात करें, डॉक्टर साहब कभी हालात सोचा था कि इस तरह से करना पड़े? बिल्कुल नहीं सोचा था, बट करना है पेशेंट केयर के लिए तो करेंगे, PGI का यही कल्चर है कि पेशेंट केयर के लिए सब कुछ करेंगे, तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, जो लीडर्स तो PGI के कहेंगे वही हम करते हैं। सबसे ज्यादा हालात हम देखते हैं कि इमरजेंसी के वीडियो देख रहे थे कि जिस सबसे काफी कूड़ा करकट, क्योंकि देखिए हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी मेडिकल, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी होता है, इसी लिए हम हेल्थ केयर वर्कर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में तो कम से कम वापस आए। अभी हम सारे वॉलंटियर्स के हेल्प ले रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प ले रहे हैं, NSS आ रही है, उनकी मदद से जितना पॉसिबल है हम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं डॉक्टर नवीन पांडे ये भी एक डॉक्टर हैं, लेकिन इस समय साफ सफाई के काम में जुटे हुए हैं। हमने डॉक्टर विपिन कौशल जो MS उनकी बात की और पेशेंट भी दिखाए, देखिए हाइजीन की बात करें वो मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। PGI के हम इस समय अंदर हैं, नेहरू हॉस्पिटल PGI का एक वार्ड, अगर बात करें यूरोलॉजी सेंटर की बात करें, और यहां पर जो आप साफ सफाई देखिए
किस तरह से यहां पर जो डॉक्टर्स एनएसएस खुद अब कमान संभाल है, श्रमदान एक तरह से इसको कहा गया कि श्रमदान ये दो दो घंटे का, तीन घंटे का। और साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सामने मैं दिखाऊं कि जो बैग होते हैं वो आपको नीले और हरा बैग दिख रहा होगा, यहां से उठा के अगर आपको करें तो ये देखिए कि इस तरह से यहां पे साफ सफाई का जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि ये बैग जो है कूड़े के और गंदगी ना फैले। इसलिए श्रमदान की बात करें, ये पीजीआई हमेशा से जब स्ट्राइक नहीं थी तो एक रूटीन प्रोसेस है, और आगे भी आपको दिखाएंगे क्योंकि इस समय आप अंदर हैं पीजीआई के, तो जो तमाम तस्वीरें पीजीआई के अंदर की हम बात करें कि श्रमदान का अभियान चलाया गया है ताकि गंदगी ना फैले, मरीजों को कोई नुकसान ना हो। अगर इमरजेंसी वाला एरिया हम बात करें, इस समय ये इमरजेंसी का जो एरिया की बात करें, नेहरू हॉस्पिटल की इमरजेंसी, और वॉलंटियर्स के साथ साथ पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, चुनौती बड़ी है क्योंकि हाइजीन का ध्यान रखना भी पीजीआई की एक जिम्मेदारी है, पीजीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। स्ट्राइक बेशक चल रही हो लेकिन हाइजीन का ध्यान रखना पीजीआई के जिम्मे है, और इसीलिए पीजीआई प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है कि जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है वो ना फैले, मरीजों को हाइजीन मिले, परेशान ना हो। और मरीज भी यहां पर देखिए स्ट्रेचर है लाइन में, पूरी इमरजेंसी का एक पार्ट है यहां पर, इसलिए बाकी जो चीजें हैं देखिए जिस तरह से मरीज यहां पर है उसके आसपास जो भी गंद पड़ा है तो वो उठा के श्रमदान को लेके, और पेशेंट यहां पर एडमिट है देखिए इस तरह से, जैसे पेशेंट एडमिट उनके आसपास सफाई होनी चाहिए, ये देखिए ये मरीज हैं इनके आसपास सफाई होनी चाहिए, कोई कूड़ा करकट ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी पीजीआई प्रशासन की बनती है, पीजीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है पीजीआई का। ये देखिए जिस तरह से मरीज यहां पर आपको देखा होगा स्ट्रेचर पर है और उसके आसपास कोई गंदगी कूड़ा ना हो, ताकि वो इलाज तो ले लेकिन जो साफ सफाई है उसका भी ध्यान पूरा रखा जाना चाहिए। तो ये तस्वीरें हैं पीजीआई इमरजेंसी की, अंदर की इमरजेंसी की तस्वीरें हैं। इस समय इमरजेंसी वार्ड में मौजूद है जहां पर पूरा देखिए पेशेंट जो है यहां पर होता है, और उसके आसपास सफाई का ध्यान रखना भी एक जिम्मेवारी बनती है। तो स्ट्राइक चलते हुए 7 दिन हो चुके हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पर हैं, पीजीआई प्रशासन हो, केंद्र सरकार के हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वहां तक बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी कोई हल नहीं निकला। और सबसे ज्यादा चुनौती मरीजों के लिए है, उनके इलाज के लिए, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं हैं वो कभी रुकती नहीं, चाहे कोई भी स्ट्राइक हो लेकिन इमरजेंसी सेवाएं कभी रुकती नहीं, ट्रॉमा और इमरजेंसी यहां कभी जो किस तरह की स्ट्राइक हो लेकिन ये कभी बाधित नहीं होती। चुनौती मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मरीजों की हेल्थ और उनका जो साफ सफाई है ये एक पीजीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, और उसी के लिए श्रमदान, वॉलेंटियर्स, खुद पीजीआई प्रशासन मैदान में है, उतरा हुआ है, और अब देखना होगा कि कब स्ट्राइक खत्म होगी, मरीजों को जो बेहतर इलाज, समय से इलाज वो मिलता रहे, और प्लस जो हाइजीन है, जो कूड़ा करकट गंदगी है वो भी उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़। पेशेंट निकल जाओ, आज कर दो। ये गिर गया है, देखना जाए, चलो बहुत पीजीआई चंडीगढ़ में स्ट्राइक के चलते जो हालात हैं, क्योंकि एक चैलेंज है पीजीआई के लिए साफ सफाई का भी ध्यान रखना, जहां पेशेंट केयर इंपॉर्टेंट है वहीं साफ सफाई भी पीजीआई के लिए बड़ा चैलेंज है। और इमरजेंसी में मैं मौजूद हूं जहां पर एनएसएस वॉलंटियर्स और पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन मरीजों की हेल्थ के साथ साथ उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एनएसएस वॉलंटियर्स हमने दिखाया इमरजेंसी वार्ड के बाहर, हालांकि पेशेंट काफी है उनके साथ,
आसपास जो सफाई होती है वो एक बड़ा चैलेंज है पीजीआई के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखपाल कौर जी। सुखपाल कौर जी, एक बड़ा चैलेंज होता है कि हाइजीन को मेंटेन करना। यस बिल्कुल, हमारे पास मरीज तो आ रहे हैं, मरीज पहले ही बेचारे बहुत दुखी है और अगर हम वातावरण भी उनको गंदा देंगे तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो हॉस्पिटल में हमने अराउंड किया, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो हमारा एनएसएस यूनिट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन पीजीआई का, तो हमने सोचा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम सफाई अभियान करेंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है अपना, और हम इसको अपना काम मान रहे हैं। डॉक्टर्स भी इलाज कर रहे हैं लेकिन साफ सफाई भी आज आपको करना है। साफ सफाई तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देखभाल पेशेंट की बहुत अच्छे से हो यही हमारा एक मोटो है। तो यही सोच के हम आज पूरे पीजीआई में सफाई अभियान कर रहे हैं, पीडियाट्रिक सेंटर में भी है, यहाँ भी है, कार्डियक सेंटर में भी हम लगे हुए हैं सफाई करने के लिए। और मरीज भी हैं, आपके साफ सफाई हो रही है यहाँ पे? जी सर बिल्कुल, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पेशेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। हाँ जी, आसपास ये सारा साफ सफाई चल रही है? हाँ जी, अभी डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने पूरा चेकअप कर रहे हैं कि कहीं भी कोई गंदगी ना हो, सारे साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, पेशेंट की हाइजीन और साफ सफाई एक चैलेंज है पीजीआई के लिए, जो इस समय पीजीआई फेस भी कर रहा है क्योंकि स्ट्राइक है, खासकर हॉस्पिटल अटेंडेंट की। ये इमरजेंसी वो वार्ड है जहां पर अक्सर तस्वीरें मीडिया नहीं अलाउ होता, लेकिन हम इसलिए आए हैं कि असली तस्वीर आपके सामने दिखा सके कि आखिर हालात क्या है। ग्राउंड जीरो पर इस समय पीजीआई चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं कि जो स्ट्राइक होती है तब हालात कैसे होते हैं। सिर्फ अपने इलाज की बातें सुनी थी, परेशानियों की बातें सुनी थी, लेकिन आज जो हालात है पीजीआई के, एक चैलेंज सबसे बड़ा है इमरजेंसी वार्ड के अंदर साफ सफाई। और अभी जो टीमें यहां पर लगी हुई हैं, देखिए मैं कहूंगा कि जहां पर ये मरीज एडमिट होते हैं उनके आसपास जो सफाई होती है वो बहुत जरूरी होती है, और इसी चैलेंज में पीजीआई भी लगा हुआ है। हालात कब सुधरेंगे, स्ट्राइक कब खत्म होगी, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो सबसे अहम होती है कि इलाज के साथ साथ पीजीआई की जो साफ सफाई का ध्यान रखना वो बहुत जरूरी है, ताकि मरीजों को इलाज तो मिले लेकिन जो हाइजीन है, जो एक पार्ट है मेडिकल फैसिलिटी का के साफ सफाई, उसके लिए भी डॉक्टर्स की बात करें वो यहां पर लगे हुए हैं। और तस्वीरें ही हैं इमरजेंसी के अंदर की आपको हम दिखा रहे हैं इस समय, और आपको मरीजों से भी हमने कहा कि डॉक्टर्स भी साथ दे रहे हैं, जिन डॉक्टरों को इलाज करना था वो आज वाइपर लेके भी साफ सफाई में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 की टीम है जो अंदर की तस्वीरें आपको दिखाए, अंदर के हालात दिखाए, ग्राउंड जीरो से हमने बताया।